हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस ब्लॉग के शुरू में मैंने आपको दिखाया कि मैं रोटी बना रही थी, एक्चुअली पराठा बना रही थी। तो ये पराठा आलू का पराठा है, मतलब आलू को मैंने बॉईल करके उसको हींग के साथ जो भी आटा है उसको गूंदा है मैंने, और उसमें मैंने फ्रेश कोरिएंडर जो होता है ना, कोरिएंडर लीव, धनिया पत्ता, उसको मैं मिलाई थी। आपको दिखाती हूँ। आटा और आलू सेम पोर्शन में ली थी, शायद मैं आलू ज़्यादा ही ली थी इसीलिए डो थोड़ा मतलब ढीला हो रहा था, डो का ग्रिप बाइंडिंग ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि आटा बहुत ही कम है और आलू ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे बेलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि रोटी ठीक से गोल नहीं हो रहा था और नीचे चिपक रहा था। मैंने बहुत सारा आटा दी थी पर फिर भी चिपक रहा था, तो मैंने मैनेज किया और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी भी मैं पराठा और आम की अचार और अनियन, फ्रेश अनियन, ये जो कॉम्बिनेशन है ये मतलब कभी भी मतलब खा सकते हैं। और ये सोच के ना, मतलब पराठे के साथ आम की अचार सोच के मुंह में पानी आ जाता है, मतलब फील होता है कि कब मैं खाऊं रोटी बनाई। तो अभी मैं खाना खाऊंगी, लंच खाऊंगी। लंच खाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको कल बोली थी कि मैं वॉलपेपर जो भी सैंपल लेके आई थी वो सैंपल मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी वॉल में ऐसे शो करके मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारा वॉलपेपर है और मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो वॉल में कैसा लगेगा। बेटे अभी गए हैं नर्सरी, तो अभी मैं आराम से देखूंगी कि कौन सा डिज़ाइन कैसा लग रहा है, तो ऐसे वॉल में सेट करके देखूंगी और आपको भी मैं दिखाऊंगी। मैं भी सोचूंगी, आप भी मुझे हेल्प करिए, ठीक है? ओके, मैं ये फूड जल्दी से फिनिश करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा फूड, पराठा, अनियन और आम की अचार। तो मैंने मेरा लंच कर लिया है, अभी मैं एक चाय बनाऊंगी, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वो चाय ये मेरे लिए स्पेशल है, और क्योंकि मैं पहले दिखा दूँ, तो ये टर्मरिक टी है। तो मैं एक साल पहले वेट लॉस करने की बहुत कोशिश कर रही थी, मैंने किया भी है बहुत, 4 kg 5 kg तक मैंने वेट लॉस किया है सिर्फ ये टी पी के। तो मैंने सोचा कि ये आपको मैं शेयर करूँ। ये सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। इसमें लिखा है आयुर्वेदिक, तो इस ऐसे पाउच में आता है। एक पाउच में मैं एक कप बनाती हूँ, पर मैं दो बार बना सकती हूँ इसके, तो एक पाउच का मैं दो कप बना सकती हूँ हमेशा, क्योंकि इतना ये स्ट्रॉन्ग है। तो मैं एक बार जब बनाती हूँ मैं फेंकती नहीं हूँ, उसी से मैं और एक बार बना सकती हूँ, तो मेरा दो कप हो जाता है एक ही पाउच से। तो मैं एक सुबह बनाती हूँ, एक शाम को बनाती हूँ, बीच में भी अगर मेरा मन करे तो मैं पी सकती हूँ। और वैसे ही मुझे उतना चाय का शौक नहीं है, दूध वाले चाय मुझे बहुत एसिडिटी हो जाता है, तो मैं या तो ग्रीन टी या फिर ऐसे ब्लैक टी पीती हूँ, पर ये बहुत ही अच्छा है। पर हाँ, ये आप अगर डेली पीते रहोगे तो आप थोड़ा फिटअप हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कभी कभी ब्रेक लेके 2-3 दिन ये पीती हूँ नॉन स्टॉप, फिर इसको ब्रेक करके मैं और दूसरा ब्लैक टी नॉर्मल वाला पीती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा रंग आएगा इसका कलर। तो मैं पहले आपको दिखा दूँ जिस वॉल में मैं वॉलपेपर करना चाहती हूँ, वो वॉल को मैं आपको दिखा दूँ पहले, क्योंकि ये घर हमारा नया है, एक साल जस्ट हुआ है, पर वॉलपेपर हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि वॉलपेपर को सबसे लास्ट में रखी थी। ये देखो टीवी यूनिट, और इसके साथ में एक प्लांट है, और ये इतना बड़ा वॉल जो देख रहे हो इसमें कुछ नहीं है,
और वहाँ पे वायर्स भी सब ऐसे हैं। तो अभी मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हो। तो ये सारे हैं सब वॉलपेपर के सैम्पल। तो यही वॉलपेपर मैं एक एक करके आपको खोल के अभी दिखाऊंगी। और ये मेरे बेटे के लिए है, ये उसके सुपरमैन पिक्चर्स है, उसके घर में ये करूंगी। तो अभी ये रख दिया है देखने के लिए। और ये रास्ते से स्टोन उठा के लाए मेरे बेटे। तो चलिए मैं एक एक करके ये वॉलपेपर आपको खोल के दिखाती हूँ। तो मैं अभी फ्लोर में बैठ गई हूँ, तो मैं आपको एक एक करके यहाँ से दिखा पाऊंगी। तो सबसे पहले तो बहुत सारे, पर अभी चूज करना ही सबसे डिफिकल्ट काम है। पता नहीं कैसे चूज करेंगे, पर हाँ बहुत सारे सैंपल है, तो कुछ बेडरूम के लिए भी चूज कर पाएंगे, और ये वाले वॉल और एक डाइनिंग के लिए। तो इससे ज़्यादा नहीं चूज करेंगे, जितना है जितना बेस्ट ऑफ लगा लाए हैं इसी में ही चूज करेंगे। तो और भी देखेंगे, फिर और अच्छा लगेगा, फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। जितने सारे हैं वो काफी अच्छे हैं, कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगा। तो लाइट में काफी शाइन कर रहा है, और ये शाइनिंग ही मुझे चाहिए था कि लाइट शाम के टाइम जब लाइट ऑन होगा तो वॉल में जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट शाइन करेगा लाइट से, वो रिफ्लेक्शन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये और एक ऐसा ही सिमिलर है, पर वो थोड़ा ग्रीनिश टोन था और ये सिल्वर टोन है। सिल्वरी स्टोन है जो मतलब बहुत ज़्यादा सिल्वर टोन फिनिश दे रहे हैं, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी मतलब ये एक एक रो मतलब लग रहा है कि बहुत हेवी लग रहा है। ये भी देखो शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा शाइन कर रहा है। देखो ये जो येलो कलर का फ्लावर है, बिग साइज फ्लावर, और लग रहा है जो
सैटिन कपड़ा होता है ना, सैटिन तो बोलते हैं, सैटिन का जो कपड़ा होता है ना जो बहुत शाइन करता है, फाइन मटेरियल वैसा लग रहा है। ये मेरा बहुत फेवरेट है, कहीं ना कहीं पर यूज़ करेंगे क्योंकि क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। और ये जो येलो कलर का जो फ्लावर है, तो ये क्या होगा, येलो कलर है तो रूम में थोड़ा हल्का सा एक येलो गोल्ड जैसा इफेक्ट आएगा, जिससे घर थोड़ा काम एंड नाइस फील समझा होता है। ये है मॉडर्न, ये भी शाइन कर रहा है। देखो ये कलर ना तो सिल्वर है ना तो कॉपर है, सिल्वर और गोल्डन कॉपर कुछ मिक्स है। और ये ना मैं दिन के टाइम में भी देखी थी सनलाइट में, तब एक डिफरेंट आ रहा था, और शाम के टाइम पे और रात में जो भी लाइट आ रहा है वैसे इसका इफेक्ट डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि ये गोल्ड भी नहीं है, सिल्वर भी नहीं है और कॉपर भी नहीं है। मैं दिखाती हूँ ठीक से, क्योंकि मेरे ऊपर येलो लाइट है, येलो लाइट का इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, तो थोड़ा गोल्डन या गोल्ड कॉपर जैसा कलर आ रहा है। अच्छा है, ये तो टोटली सिल्वर है, मतलब ये एकदम से सिल्वर है, यहाँ पे जो शाइन हो रहा है ये सिल्वर कलर का है। देखो आपको शिमरी जो लुक होता है ना, जो शिमर का जो इफेक्ट होता है वो आपको सीधा सीधा दिखेगा। कितना प्यारा है ना ये कहीं पे यूज तो करूंगी मैं। एक्चुअली मैं इतना एक्साइटेड हूँ वॉलपेपर करने में, और इसलिए मैं तो कोलकाता से हूँ, तो कोलकाता में मेरे घर में कोई वॉलपेपर नहीं था, मतलब शायद वहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है वॉलपेपर के, तो जो पिछले घर था वहाँ पे भी वॉलपेपर नहीं था, और यहाँ पे मैं पहली बार वॉलपेपर करने जा रही हूँ, तो वॉलपेपर का जो इफेक्ट है, जो उसका लुक है और जो डिज़ाइन है, ये चूज़ करने में भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, चूज़ नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा करूँ। पर हाँ, वॉलपेपर एक बार लगेगा तो लाइक परमानेंट ही, आप समझ सकते हो कि ये परमानेंट ही होगा। ये भी कॉपर कलर का है, पर ये काफ़ी कॉमन है, आप देख सकते हो, पर कॉमन है फिर भी बहुत अच्छा है। ये थोड़ा ट्रेडिशनल जो होता है ना डिजाइन वैसा लग रहा है, इतना प्यारा है ना, बहुत खूबसूरत है। तो बस यही था वॉलपेपर जो भी आपको मैंने दिखाया, यही डिजाइन है, तो मैं तो चूज करूंगी, टाइम लगेगा थोड़ा चूज़ करने में, देखते हैं कि कौन सा वाला फाइनल करते हैं। पर आप भी मुझे हेल्प करो, आप भी बोलो मुझे कौन सा वाला कलर, आई मीन कौन सा वाला वॉलपेपर अच्छा लगेगा, ये जो बैकग्राउंड में जो भी वॉल देख रहे हो इसके लिए, ये टीवी के पीछे वाला जो यूनिट, टीवी यूनिट के पीछे जो वॉल है उसके लिए। और एक बात है कि मैं पहले भी और एक बार इसका वीडियो किया आज ही, पर बाद में जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि मैं जो कैमरा ऑन करना ही भूल गई, मतलब रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गई थी, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। करीबन मैंने तो 8-9
8-9 minute का record की थी, पर जब मैं बाद में check करने गई, उसको मैंने laptop में transfer किया, तो देखा कि वो video ही नहीं आया। और मैंने बहुत ऐसे detail में दिखाई, बहुत बाद मतलब बहुत कुछ detail में show किया, तो मुझे इतना हंसी आया। तो मैं दोपहर को की थी, अभी थोड़ा शाम हो गया है, तो अभी जो शाम का जो लाइट है थोड़ा शायद डिफरेंट आया, और अभी लाइट मतलब जो नॉर्मल सनलाइट भी थोड़ा आ रहा है, पर मैं ऐसे टॉप लाइट भी ऑन किया। आपको मैंने लाइट भी दिखा दिया, तो अच्छा ही है, इस लाइट में इफेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं इतने सारे वॉलपेपर को लेके सोचूंगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने देखा होगा मेरा वॉलपेपर का सैम्पल, तो मैं बोली थी कल के वीडियो में कि मैं छोटा सा एक पीस ली थी जो मैं बहुत ही डर के ली थी, पर इतने जो भी आप देख रहे हो कि हाफ अ मीटर है एक एक वॉलपेपर के, तो वहाँ के जो स्टोर कीपर थे वही उन्होंने मुझे काट के दिया, तो ये अलाउड है, मुझे नहीं पता था, पर काफ़ी यूज़फुल रहा है मुझे कि मैं इसको ओपन करके अच्छे से देख पा रही हूँ इसका डिज़ाइन और पैटर्न और कलर, जो मुझे काफ़ी हेल्प करेगा हर एक वॉल में देखने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं सुबह एक बार देखूँगी सनलाइट में कि ये कलर कैसा आता है, शाम को एक बार देखूंगी वैसे शाम के लाइट में कैसे नेचुरल लाइट में वॉलपेपर का कलर कैसे लग रहा है, और एक बार रात को देखूंगी कि रात में जैसे नॉर्मल लाइट होते हैं घर का, मेरा लाइट तो थोड़ा येलो टोन में है, तो उसमें वॉलपेपर का इफ़ेक्ट कैसे लग रहा है, और कोई कोई वॉलपेपर में गोल्डन है, कोई में सिल्वर है, और वही मैं इफ़ेक्ट देखना चाहती हूँ कि कौन सा कैसा इफ़ेक्ट कैसे लग रहे हैं, तो ही मैं जाके जो मेरा फाइनल वॉलपेपर होगा मैं चूज़ कर पाऊँगी। पर आपको भी मैंने दिखाया, वो आप अच्छे से देखो और मुझे प्लीज़ सजेस्ट करो कौन सा वाला अच्छा है, स्पेशली ये जो आप देख रहे हो टीवी यूनिट के पीछे वाला जो वॉल है यहाँ के लिए। पर मुझे यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न वॉलपेपर ही चाहिए, जो भी फ्लावर वाला पैटर्न है वो शायद बेडरूम में मैं करूँगी। ये जो टी है आयुर्वेदिक टी, ये बहुत ही अच्छा है, और इसका टेस्ट थोड़ा मैं कैसे बोलूँ आपको, कड़क होता है टेस्ट वाइज, तो पर सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पफुल है। टर्मरिक ऐसे ही बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, या फिर बहुत सारे फ्लेवर में आते हैं, जिंजर टी होते हैं, टर्मरिक होता है, पीपरमिंट होते हैं, तो सब कुछ करिए पर लिमिट में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूँगी कल भी और एक यूज़फुल वीडियो लाने के लिए। और मैं जो ये मेकअप किया, ये मेरा बेसिक मेकअप है, और आप जो मेरा एक मैसेज आ गया था, तो आप जो ये मेरा मेकअप देख रहे हो ये वेरी क्विक मेकअप है, और आप बिलीव नहीं करोगे ये मेकअप करने में मुझे 5 to 7 minutes लगा है। और अगर आप देखना चाहते हो कि ये मेकअप मैंने कैसे किया है, मैं कल आपको यही मेकअप का वीडियो बना के दिखाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा गर्म टी नहीं पी सकती, मैं थोड़ा ठंडा करके फिर ही चाय पीती हूँ, नहीं तो मेरा टांग में लग जाता है, जल जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और यूज़फुल लगा, तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आगे का वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करिए,